हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरी आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक DIY फेस ग्लो सीरम की रेसिपी। तो अगर आप इसको मेकअप से 10 मिनट पहले लगा लेंगे तो आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी और आपको कोई मॉइस्चराइज़र या प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, पूरे दिन जो आपका चेहरा डल या काला पड़ जाता है उसकी प्रॉब्लम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी आज की वीडियो के इन्ग्रीडियंट्स 100% नेचुरल ऑर्गेनिक हैं एंड ये आपको अमेजोन या आसपास के ब्यूटी स्टोर में आराम से मिल जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरीके का एक डार्क कलर्ड ग्लास बॉटल जिसमें ड्रॉपर हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डार्क कलर होगा तभी हमारा सीरम अच्छे से स्टे करेगा। अगर हम क्लियर ग्लास बॉटल में रख देंगे तो वो बहुत जल्दी डिग्रेड या डिकम्पोज हो जाएगा। और ड्रॉपर आपके सेफ्टी या कन्वीनियंस ऑफ एप्लीकेशन के लिए होता है। सीरम का मेरा पहला इन्ग्रीडियंट है 100% नेचुरल होहोबा ऑयल। मैंने खादी नेचुरल ब्रांड का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी ब्रांड जो 100% ऑर्गेनिक बनाते हैं वो ले सकते हैं। और क्योंकि इसमें ड्रॉपर है तो मुझे बहुत आसानी होगी अपनी क्वांटिटी मेजर करने में। तो मैं 3 ड्रॉपर फुल करके अपने इस डार्क कलर ग्लास बॉटल में डाल दूंगी। तो 3 ड्रॉपर फुल मेरे 15 से 20 दिन के लिए सफिशेंट होगा। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है इसमें लैवेंडर ऑयल। ये भी एक एसेंशियल ऑयल है और ये मैंने 100% ऑर्गेनिक अरोमा नेचुरल्स का इस्तेमाल किया है। और क्योंकि इसमें ड्रॉपर नहीं है तो मैं इस तरीके का एक एक्सटर्नल ड्रॉपर इस्तेमाल करूँगी। और मैं इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके अपने सीरम में सिर्फ 5 ड्रॉप्स डालूँगी। इस DIY सीरम में आपको इस तरीके के एसेंशियल ऑयल्स की क्वान्टिटी का बेहद ध्यान रखना है। अगर मैंने सिर्फ 5 ड्रॉप्स बोला है तो आपको उससे ज़्यादा नहीं डालना है। कई बार अगर हम बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है रोज़ एसेंशियल ऑयल। तो मैंने रोज़ और लैवेंडर इसलिए पिक किया क्योंकि ये सारे स्किन टाइप वाले बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अस्थाया ब्रांड का यूज़ किया और क्योंकि इसमें ड्रॉपर दिया हुआ है तो अगेन मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैं इस रोज़ एसेंशियल ऑयल की भी 5 ड्रॉप्स इसमें डाल दूँगी एंड मेरा सीरम बन के तैयार है। इसके बाद मैं अपना ड्रॉपर बंद करके इस बॉटल को एक अच्छा सा शेक दे दूँगी। जैसे आप अपनी नेल पॉलिश की बॉटल इस तरीके से शेक करते हैं वैसे आप अपना ड्रॉपर बॉटल शेक कर लीजिए। तो इस सीरम का इस्तेमाल आप रात को सोने से पहले या अपने मेकअप से पहले स्किन को ग्लोइंग दिखाने के लिए एंड स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टेक दिस सीरम एंड पहले अपने दोनों चीक्स पे, नोज पे एंड फोरहेड पे इस तरीके से ड्रॉप कर दूंगी वेरी क्विकली बिफोर इट गेट्स मेसी। इसको हमें अपने पूरे फेस पे इस तरीके से मसाज करना है। अगर आप अपने डे टाइम में सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नो मोर देन 3 ड्रॉप्स एंड अगर नाइट टाइम में आप अपने स्किन केयर रूटीन में सीरम लगा रहे हैं तो मैक्सिमम 5 to 6 ड्रॉप्स। यू कैन सी इसने मेरे फेस को इमीडिएटली बहुत ग्लोइंग बना दिया है एंड इसके बाद आप मेकअप कर सकते हैं, आप अपना मेकअप बेस लगा सकते हैं या आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। बट मेक श्योर आप सीरम को बहुत अच्छे से अपने स्किन के साथ मसाज करें एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स आफ्टर सीरम एप्लीकेशन। इसके बाद आप कोई भी मेकअप लगाएंगे बिल्कुल ड्राई पैची नहीं दिखेगा एंड आपका बेस बहुत देर तक ग्लोइंग एंड ब्राइट दिखेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो DIY सीरम के ऊपर। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट्स में लिख के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।